नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। ओम नमः शिवाय, जय हर हर महादेव। दोस्तों, आने वाले नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नए साल 1 जनवरी 2024 के दिन जरूर करें, यह कुछ खास उपाय आप बन जाएंगे धनवान। आप हर इच्छा होगी पूरी, आपके जीवन से दूर होंगे सभी कष्ट और दुख। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि साल 2024 बस आने को ही है, ऐसे में हम सभी यह चाहते हैं कि नया साल बेहद अच्छा बीते, बेहद शुभ हो, नए साल में शांति, सुख समृद्धि और सफलता घर में वास करे, आपके दुख कष्ट कलेश दूर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कुछ ऐसी इच्छा है, घर में वास करे आपके दुख कष्ट कलेश दूर हो जाए, तो दोस्तों अगर आपकी भी कुछ ऐसी इच्छा है, तो आज की वीडियो में हम आपको ज्योतिष गुरुओं की दी गई जानकारी के माध्यम से कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने मात्र से आने वाले नए साल में अपनाने से न सिर्फ आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, बल्कि पूरे साल आपको बहुत ही शुभ परिणाम भी मिलेंगे। दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद बन जाओगे आप करोड़पति, इतना धन आएगा आपके पास कि गिनते गिनते थक जाओगे, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। दोस्तों, बाद में यह मत कहना कि हमने आपको नए साल के ये खास उपाय बताए नहीं। दोस्तों, क्या आपका भी साल 2023 कुछ अच्छा नहीं रहा? आपको साल 2023 वो फल नहीं दे पाया जो आप पाना चाहते थे? क्या आपकी भी कुछ इच्छाएं अभी भी अधूरी बनी हुई है? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो में बताए गए उपाय अगर आप नियम अनुसार कर लेते हैं तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। बस सच्ची श्रद्धा से सभी उपाय जरूर करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी लक्ष्मी माता की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं और चाहते हैं कि इस साल आपको नौकरी में तरक्की मिल जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी नई जॉब लग जाए, नौकरी और तरक्की की समस्या दूर हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको बस नए साल के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और उसके बाद पूजा पाठ संपन्न करना है। अब दोस्तों ध्यान से, आपकी नई जॉब लग जाए, नौकरी और तरक्की की समस्या दूर हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको बस नए साल के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और उसके बाद पूजा पाठ संपन्न करना है। अब दोस्तों ध्यान से सुने, आपको करना ये है कि आपको अपने माथे पर भगवान के तिलक से लेकर केसर का तिलक लगाना है। केसर का तिलक लगाने से नौकरी से जुड़ी बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपकी नौकरी में प्रमोशन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी और आपको धन लाभ होगा। अगली चीज है शीघ्र विवाह के लिए। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आपके विवाह में बाधा आ रही है, तो नए साल के पहले दिन इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए दोस्तों बस आपको करना ये है कि अशोक के कुछ पत्ते लेने हैं और इन्हें अपने नहाने के पानी में डाल लीजिए, फिर इसी पानी से स्नान कीजिए। बाद में इन पत्तों को निकालकर किसी पीपल के पेड़ के पास साफ सुथरे स्थान पर रख दें और नहाते समय मन ही मन भगवान से अपनी समस्या बताते जाए। दोस्तों, ऐसा करने से बहुत जल्दी आपके विवाह की समस्या दूर होगी। अगला उपाय है दोस्तों, सौभाग्य में वृद्धि और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। इसके लिए आपको करना ये है कि नए साल के पहले दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने से पहले तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दे और सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें एवं सूर्य देव की आरती गाएं।
इससे पूरे साल भर आप पर सूर्य देव की कृपा बनी रहेगी और भाग्य आपका साथ देगा। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और जीवन में सफलता प्राप्त होने लगेगी। अगली चीज है दोस्तों, ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़ा दूर करने और जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए। इसके लिए आपको करना ये है कि साल के पहले दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर नारियल खरीदकर उसकी पूजा करनी है। अब दोस्तों, आपको इस नारियल के ऊपर एक कपूर रख कर जलाना है और पूरे घर में दिखाना है और नारियल को ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य फोड़ना है। अब दोस्तों, इसके बाद उस नारियल में मौजूद जल को पूरे घर में छिड़क दे और इसमें जो बोला हो उसे प्रसाद के रूप में घर में सभी को बांट दे। दोस्तों, ऐसा करने से घर में मौजूद कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी और सकारात्मकता ऊर्जा का आपके घर में संचार होगा। आपके घर के कलेश, लड़ाई झगड़े दूर होंगे और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। इससे आपको बहुत शुभ लाभ होगा। अगली चीज दोस्तों है जल्दी धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, अगर आपको बहुत जल्दी धन की आवश्यकता हो तो आपको यह खास उपाय जरूर करना है। दोस्तों, आपको करने हैं कि नए साल के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके धन की देवी मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी है। पूजा के समय मां लक्ष्मी को अखंडित चावल, मतलब बिना टूटे हुए सबूत चावल अर्पित करने हैं। माता लक्ष्मी की आरती करनी है और दोस्तों, जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो इसके बाद इन चावलों को उठाकर किसी लाल कपड़े में बांध दे। दोस्तों, जब आप यह सब करें तो माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप जरूर करें और जिस पोटली में चावल बांधे हो उसे अपनी तिजोरी, पर्स या अपने धन के स्थान पर रख ले। इससे आपको बहुत जल्द ही धन प्राप्त होगा, बहुत ही जल्दी धन प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगला उपाय है केसर का तिलक लगाएं। नए साल के पहले दिन केसर का बांधे हो उसे अपनी तिजोरी, पर्स या अपने धन के स्थान पर रख ले। इससे आपको बहुत जल्द ही धन प्राप्त होगा, बहुत ही जल्दी धन प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगला उपाय है केसर का तिलक लगाएं। नए साल के पहले दिन केसर का तिलक लगाना चाहिए अगर आप नौकरी करते हैं या करियर में सफलता चाहते हैं। तो साल के पहले दिन नहाने के बाद भगवान की पूजा कर नए साल के लिए कामना कर केसर का तिलक लगाएं। आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। जीवन में कल्याण और सुख शांति के देव है भगवान विष्णु। इनकी कृपा से ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से लक्ष्मी खुद ब खुद साथ चली आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग नियमित तौर पर तुलसी की पूजा करते हैं उन पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, नए साल पर यानी 1 जनवरी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करें। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र और शुभ पौधा माना जाता है। नए साल के पहले दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें या घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, नए साल पर दोस्तों हनुमान जी की पूजा करें। नए साल के दिन स्नान कर संकटमोचन हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा से आप पर आने वाले संकट दूर रहेंगे, मतलब कि साल भर में जो भी संकट आपके ऊपर आने वाला है हनुमान उसे आपके ऊपर से टाल देंगे। तो इसके लिए दोस्तों, नए साल के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया करके सबसे पहले स्नान कर विधिवत भगवान हनुमान की पूजा कर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का आशीर्वाद ले और प्रसाद ग्रहण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएं। दोस्तों, अगला उपाय है घोड़े की नाल का उपाय।
नए साल के पहले दिन घर में घोड़े की नाल लगाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में काले घोड़े की नाल लगाना शुभ माना जाता है। नए साल के दिन भगवान की पूजा अर्चना कर घर के उत्तर या पूर्व दिशा में घोड़े की नाल लगाएं या दरवाजे में लटकाएं। ऐसा करने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। नए साल की शुरुआत बुजुर्गों के आशीर्वाद से करनी चाहिए। इससे देव गुरु बृहस्पति की पूरी कृपा बरसती है। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ और तरक्की देने वाला ग्रह माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक बड़े बुजुर्गों यानी माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लेने से बृहस्पति मजबूत होते हैं। इसलिए नए साल में कोई भी काम करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। हो सके तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कोई नया काम करें। इससे बृहस्पति का दोष खत्म होता है और काम में कामयाबी की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगला उपाय है कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय। अगर आप भी 2024 में अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ये विशेष उपाय आप जरूर करें। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको 21 बेलपत्र लेने हैं और इन पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। अब आपको जाना है किसी भी शिव मंदिर में और ये सभी बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं और आपको फिर तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अब दोस्तों, आपको जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे और उसकी पूजा करके थोड़ी सी जड़ तोड़कर लाल या सफेद कपड़े में लेकर अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आप इसे गले में नहीं, नीचे और उसकी पूजा करके थोड़ी सी जड़ तोड़कर लाल या सफेद कपड़े में लेकर अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आप इसे गले में नहीं पहनना चाहते हैं, तो दाहिने हाथ की बाजू में भी पहन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए साल के दिन ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके सभी दुख सभी कष्ट साल भर आपसे दूर रहेंगे और साथ ही इससे शिव जी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। अगला उपाय है दोस्तों, कोई नई संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी नए साल पर कोई संपत्ति या वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय करना है। आपको करना ये है कि आपको कोई भी 5 सफेद चीजों का, जैसे चीनी सफेद कपड़ा, सफेद जूते, सफेद फल, सफेद फूल आदि का दान करना है और इस काम को आपको 5 शुक्रवार तक दोहराना है। दोस्तों, क्योंकि शुक्र ग्रह को सभी भौतिक सुख संपत्ति का कारक माना जाता है और सफेद रंग शुक्र का प्रिय होता है, इसलिए यह उपाय करने से आप जल्दी ही संपत्ति, वाहन, भूमि आदि खरीद पाएंगे। अगला उपाय है दोस्तों, आप पर बार बार आने वाली मुसीबत और परेशानी को दूर करने का उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन पर भी बार बार कोई न कोई मुसीबत बनी रहती है, कोई न कोई परेशानी आपको हमेशा घेरे रहती है, तो दोस्तों आपको यह उपाय जरूर करना है। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे जीवन पर आने वाली मुसीबतों का ज्यादातर संबंध शनि ग्रह से होता है, तो दोस्तों आपको करना यह है कि आपको नए साल में 1 महीना लगातार गाय माता या नंदी महाराज को गुड़ खिलाना है। दोस्तों, गुड़ का संबंध शनि से होता है और अगर आप ये उपाय नियम अनुसार कर लेते हैं तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। इसके अलावा गणपति का पूजन करें। हिंदू धर्म में गणपति को सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले पूजा जाता है। इनकी कृपा से बुद्धि मिलती है। अगर बुद्धि सही दिशा में कार्य करे तो सभी परेशानियां हल हो सकती हैं। नए साल पर घर में गणेश जी की पूजा करें। अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है, तो नए साल पर खरीद लाएं और उन्हें स्थापित कर उनका पूजन करें। इनके पूजन से सभी तरह की ग्रह बाधा दूर होगी और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे।
दोस्तों यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।